नाज़रीन, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाज़रीन, कराची का मोहम्मद एहसन, जिसे आप इस्लामाबाद का बच्चा बच्चा गोल्डन मैन के नाम से जानता है, गोल्डन मैन को 1.5 साल का अरसा हो गया है इस्लामाबाद में आए हुए। उनकी ज़िंदगी में 1.5 साल में क्या तब्दीलियां आई हैं? कुछ टाइम के लिए यह ग्रीन मैन भी बना। ग्रीन मैन क्यों बना? इस्लामाबाद में 1.5 साल के अरसे में इसने क्या पाया और क्या खोया, आज हम ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन, आप गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं, किसी को आपका असल नाम भी पता है? जी, ये अक्सर तो ज़्यादातर मीडिया वालों को पता होता है रियल नाम, वैसे गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं। अच्छा, 1.5 साल का टाइम आपको यहाँ इस्लामाबाद में गुजर चुका है, इस्लामाबाद की सड़कों पर गुजर चुका है, तो 1.5 साल में आपने क्या पाया, क्या खोया? पाया जो भी पाया, जो घर पर देते हैं और खाते हैं, और कुछ भी नहीं कर पाते, और क्या करें हम लोग, बस यही है ज़िंदगी का भी यही मकसद है। अभी तो माशाल्लाह मेरे खुश नसीब हो गया हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी चल चुका है। अभी मेरी ज़्यादा फोकस उस पर है, यूट्यूब पे गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वो चल गया माशाल्लाह, पेज भी है। इसके अलावा बाहर से भी काम आते हैं, जैसे किसी की एडवर्टाइजिंग करवा दें, इस तरह के होटलों के, ये मस्जिद, ये से काम आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, पहला दिन का जो आपका था इस्लामाबाद में, जब आप पहले दिन यहाँ खड़े हुए और अब खड़े होते हैं, कितना फ़र्क अपने आप में महसूस करते हैं? पहले ये होता था कि मुझे कोई नहीं जानता था, अभी यहाँ से जो भी जाते हैं माशाल्लाह हंसते हुए जाते हैं, कहते गोल्डन मैन क्या हाल है, ठीक हैं, तो मुझे देख के जाते हैं खुश होते हैं लोग, कहते हैं यार आपको तो मैंने यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर देखा, बड़ी खुशी होती है कि पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अभी तो माशाल्लाह पूरा इस्लामाबाद में मुझे जानते हैं। अच्छा, गोल्डन मैन आपने साथ साथ एक ब्लू मैन भी मुतारफ़ करवाया, उसके बाद फिर आपने एक सिल्वर मैन भी मुतारफ़ करवाया, वो कौन लोग थे और वो अब कहाँ गए? वो असल में मैं कराची से ले आया था इधर काम करने के लिए, तो वो घर से असल में वो भागे हुए थे, तो मैंने बोला किसी नशे वशे पे लग जाते, इससे अच्छा मैं इधर ले आया काम पर लगाया, तो इधर काम किया उन लोगों ने 2-3 दिन किया, तो जब भी कोई इंटरव्यू वाले आते थे फिर वो नखरे करते थे कि हमने नहीं जाना, हम नहीं इंटरव्यू दे रहे, ये नहीं कर रहे, इस वजह से वो कह रहे हमने वापसी कराची जाना है, वो उनको फिर मैंने कराची की टिकट करवा दी, वो फिर वापसी कराची चले गए। अच्छा, सुनने में आया था कि आप खुद भी कराची गए हैं, वहाँ परमिट लेके आप वहाँ पर काम करना चाह रहे थे जो यहाँ पर कर रहे थे, तो वहाँ क्या ऐसा हुआ कि आपको फिर वापस इस्लामाबाद आना पड़ा? कराची मैं गया था, मैंने सोचा कि वहाँ पे भी जाके देखता हूँ कि वहाँ पे एक परमिट मिलता है नहीं, मैं वहाँ मैं डीसी ऑफिस गया, पर वहाँ पे एक डीसी नहीं है, वहाँ पे 5-6 डीसी है, मैं परेशान हो गया, मैं किस डीसी से लूँ, पूरा कराची है, तो वहाँ पे काम नहीं चला क्योंकि वहाँ पे इज्जत नहीं की इन लोगों ने, मतलब टैलेंट का मजाक उड़ा के जा रहे थे, ये कर रहे थे, जो मेरे टैलेंट का इस्लामाबाद में जो इज़्ज़त करते हैं वो कहीं नहीं करते मेरे टैलेंट, इसलिए मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। अच्छा, गोल्डन मैन अब आपको मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी लोग बुलाते हैं, आपको मार्केटिंग के लिए भी बुलाते हैं, कुछ देते भी हैं या जस्ट अपने एक दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आपको बुलाते हैं? नहीं नहीं, जाते हैं वो देते हैं, जाहिर बात अभी हमें किसी काम पे जा रहा हूँ, वो पैसे तो देते ही हैं ना, पैसे देते हैं फिर मैं जाता हूँ उनके काम पर। अच्छा, कहाँ कहाँ आप गए और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पर आया? सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कश्मीर में आया, और कश्मीर में इतना मज़ा आया तो मैं मेरी सोच से भी उठ गए, यहाँ से मैं अपने पेज से जब मैंने बोला मैं कश्मीर आ रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा कि इतनी सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ पूरे एमपी एमएलए को भी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 पुलिस वाले देंगे, वहाँ पे एक टूरिस्ट पुलिस थी और इसके अलावा जो मुलाजिम होते हैं पुलिस वाले वो भी थे माशाल्लाह, बड़ी सिक्योरिटी की हुई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई पुलिस के अलावा, और वहाँ की आवाम ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरे को खुशी पहुँची कश्मीरियों से, तो इंशाल्लाह वापसी भी एक दिन जाएंगे कश्मीर। अच्छा, पहले भी कभी ज़िंदगी में कश्मीर देखा था या ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? मैं सिर्फ टीवी में देखता रहता था, जैसे वो फिल्म नहीं है शाका वाली, फिल्म में भी कश्मीर दिखाते हैं, ऐसी फिल्मों में जो दिखाते हैं वो फिल्मों में देखता रहता था, तो मैं जब इधर गया तो मैं रियल में देख के आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर ऐसे खूबसूरत से पहाड़ हैं, पहाड़ों में से पानी आ रहा है, बड़ी वीआईपी जगह है,
तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ जो नहीं गए तो वो जाके एक दफ़ा देख के, कश्मीर जन्नत। अभी ऐसा कोई ख्वाब है जो आप देख मतलब पूरा करना चाहते हो, कोई ऐसा कोई ख्वाहिश है जो अभी आपकी पूरी नहीं हुई है उसे पूरा करना चाहते हो? इंशाल्लाह एक है, फिर वो आपको ही मैंने वो देना है, वीडियो बनानी है, आपने बनानी है उसकी, वो मैंने आपको बताना है क्या ख्वाहिश है, वो अगली वीडियो में बताएंगे हम। अभी तक मतलब अगर देखा जाए तो आप कितना कमा लेते हैं? पहले दिन जब थे उस वक्त आपने बताया था कि आप 1000-1500 मतलब इस तरह से कमाते हैं, और आज का अगर गोल्डन मैन की बात की जाए तो वो कितना कमा लेते हैं? बन जाते हैं अभी 3000-4000 बन जाते हैं यहाँ पे अभी। तो इससे आपके घर वाले खुश हैं? हाँ जी, अभी वो घर वाले खुश होने ही है, जाहिर बात है। अच्छा, ये जो अभी गेटअप किया हुआ है, इससे पहले आपने दरमियान में ग्रीन का भी किया था, आप ग्रीन मैन भी बने, वो क्यों बने थे? वो इसलिए बने थे, मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारा दिन माशाल्लाह इतना बड़ा VIP दिन बन गया था, वो दिन ही इतना अच्छा कर दिया था, तो आज हमारा पाकिस्तान कहते हैं 55 पता नहीं इतने ज़्यादा मुल्कों का बादशाह बन चुका है कि ये सारी हुकूमत इसको दी गई है। जब भी मतलब जो मसाइल होगा हमारे मुल्क में पहले बताइए कि बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं बना, मेरे को खुशी पहुँची, इसलिए मैं गन भी ले आया था, गन भी थी मेरे पास और मैंने अपने आप को पूरा ग्रीन कर दिया था। अभी भी तो आप देखते हैं कि आप स्टैचू बन के खड़े होते हैं, लेकिन जब ग्रीन मैन बने तो आपने मुख्तलिफ स्टैंड पे खड़े होकर काफ़ी देर तक खड़े रहना, वो क्या आपने दोबारा सीखा है या पहले से आपको आता था? नहीं, ये तो असल में मैंने नेट से निकाल, जाहिर बात है जिस काम में मैं पड़ गया था मैंने उसकी एक एक चीज़ में गौर करता जा रहा हूँ ना, तो आप मुझे पता चलता है यार आज इस चीज़ का दिन है, फिर उस दिन के ऊपर मैं करता हूँ यार। आज जैसे अभी कोई ना, अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए मैंने नई तैयारी की है, नया ड्रेस बनाया है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग मैं ड्रेस बना रहा हूँ, हर तरीके नया नया ला रहा हूँ, नए नए तरीके ला रहा हूँ मैं। रमज़ान शरीफ का आपका कैसा गेटअप होगा? वो जोड़ा होगा और जिस तरह नमाज की कैप होती है और हाथ में तस्बीह होगी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ईद पे आपका क्या खास होगा, डिफरेंट क्या होगा? ईद पे कुल्हाड़ी रखेंगे हाथ में और एक छोटा सा बकरा ले आएंगे उसको काटने वाला, और यही होता है ऐसा नहीं, ये तो छोटी ईद है, बकरी तो नहीं है कि आप उसमें बकरा ज़िबह करेंगे? कोई नया देख लेंगे, दिमाग बड़ा कंप्यूटर है, कोई ना कोई तरकीब निकाल देगा इंशाल्लाह। अब आप यहाँ जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये आपकी पुरानी जगह है, आप घूम फिर के यहीं पर खड़े होते हैं, तो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग आपको कितना जानते हैं, कैसी मोहब्बत मिलती है और क्या फील करते हैं आप? यहाँ पे बड़ी इज्जत करते हैं लोग, आते हैं मैं तो जब खड़ा होता हूँ तो कहते हैं भाई आपको पानी की ज़रूरत है तो आए पानी दे देते हैं, या कोई खाने पीने की ज़रूरत है, यहाँ पर रेडियो वाले हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी मेरे पूछे। इसके अलावा यहाँ के यहाँ की आवाम जो है माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी है, जो हर टाइम आती है सलाम दुआ करती रहती है, पूछते हैं भाई कैसे हैं, क्या हाल है, आप इधर गए थे, मैं कल पिशावर गया हुआ था तो पिशावर का भी पूछा आपका टूर कैसा रहा। मैं बड़ा खुशी होती है यार, अब एक इंसान को कोई जानता ना हो और अचानक इतने सारे लोग जानने लगें तो उसके लिए तो बड़ी बात होती है। अच्छा, 1.5 साल हो गया आपने अपने फेस पे एक गोल्डन कलर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कभी कोई अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट तो नज़र नहीं आया या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए? इस बात में मैं खुद हैरान हूँ, जब मैं ब्लू मैन को जब तैयार किया उसको 2 दिन के अंदर उसकी खाल उतरने लग गई थी, और मेरी माशाल्लाह 1.5 साल होने वाला है, अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा इशू ही नहीं आया, शायद अल्लाह ताला ने मेरा चेहरा ही गोल्डन के लिए रखा है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, ऐसा कोई फ्यूचर प्लान जो आप अभी करना चाहते हो वो बताएँ? फ्यूचर प्लान तो यही है कि अपने यूट्यूब पर मैंने गौर किया, अभी मीडिया हर जगह मीडिया शो हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म तक चैनल लेके जाना है अपने इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, गोल्डन मैन, कभी ग्रीन मैन तो अब फिर गोल्डन मैन, लेकिन इससे लाखों लोग मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।